वीडियो के थंबनेल को देखकर आप लोग का आइडिया हो चुका होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। काफी सारे लोगों के लिए सिर्फ एक कमेंट होगा, लेकिन जो लोग एक्ने स्कार्स से परेशान हैं, जो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक्ने स्कार्स के लिए हम लोग ट्रेटिनिन यूज करें, टीसीए यूज करें, डर्मा रोलर यूज करें, कौन सा फेस वॉश यूज करें, कौन सा सीरम यूज करें, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को पता ही नहीं है एक्चुअल में क्या तो यूज करना चाहिए क्या यूज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस पैटर्न में करना चाहिए, एक्ने स्कार्स किससे ठीक होंगे। ये जो कमेंट था मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके दिल में या दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है कि हम इनमें से क्या यूज करें क्या यूज नहीं करें। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, और अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी तो जो एक बंदा बंदी जिसने मुझे ये कमेंट किया है वो तो खुश होगा, स्पेशली उससे रिलेटेड और जो बाकी लोग हैं जिनके अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें से क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं यूज करना चाहिए, उनका भी डाउट क्लियर हो पाएगा। तो इस कमेंट के अंदर था कि हम लोग एक्ने स्कार्स के लिए आप हमें बताओ स्टेप बाय स्टेप डर्मा पेन कब यूज़ करना है, टीसी पी कब यूज़ करना है, ट्रेटिनॉइन को कब यूज़ करना है, फेस वॉश कौन सा यूज़ करना है, सिरम कौन सा यूज़ करना है एक्सेट्रा। अगर आप लोगों को इन सारी चीज़ों का नॉलेज है और वो भी आपको ये पता है कि आपको कब कौन सी चीज़ किस तरीके से यूज़ करनी है, तो आप ये समझो कि एक्ने स्कार्स का ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट भी हो चुका है और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न था या जिनको बहुत सारे डाउट्स हैं वो ये वीडियो डेफिनेटली वॉच करें, और जिन लोगों को एक्ने स्कार्स से रिलेटेड नीड नहीं है तो वो चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको एक्ने स्कार्स एक्ने एक्ने के मास्क रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल भी रहेगा, आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है। लगता है वीडियो के एंड में कि वीडियो यूजफुल था, आप लोग की हेल्प कर पाया है, तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से इस रिलेटेड कोई भी वीडियोज अपलोड करती हूँ तो वो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वॉच कर सके। तो फर्स्ट आता है डर्मा पिन। डर्मा पिन एक्चुअल में एक एक टूल्स है, माइक्रो नीडलिंग है, जो कि हम एक्ने स्कार्स फेस के और भी बहुत सारे जैसे कि रिंकल्स हुआ, फाइन लाइंस हुआ, हमारे स्किन में लूजनेस हुआ, मार्क्स हुआ, पिगमेंटेशन हुआ, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग माइक्रो नीडलिंग करते हैं। ये जो माइक्रो नीडलिंग टूल्स होता है ये स्किन को पंक्चर करता है और पुरानी स्किन जाती है नई स्किन निकल कर आती है, स्किन के जो स्किन में जो कॉलेजन बनना बंद हो गया वो दोबारा से बनना शुरू होता है, स्किन में सेल्स टर्नओवर रेट बढ़ता है, आपकी स्किन का टोन इंप्रूव होता है, आपका कॉलेजन इंप्रूव होता है, आपका इलास्टिन इंप्रूव होता है। अगर आपको ये जानना है कि एक्चुअल में डर्मा पेन है क्या, माइक्रो नीडलिंग क्या है, तो मैं इसके बाद डेफिनेटली एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो वो भी आप लोग ज़रूर वॉच करें जिनके अंदर कन्फ्यूजन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डर्मा रोलर ही यूज़ करना है, डर्मा पेन ही यूज़ करना है, डर्मा स्टैम्प ही यूज़ करना है। माइक्रो नीडलिंग के तीन टूल्स हैं जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आता है डर्मा रोलर, सेकंड आता है डर्मा स्टैम्प और थर्ड आता है डर्मा पेन। ये जो तीनों टूल्स हैं माइक्रो नीडलिंग के टूल्स हैं। अगर आप लोग एक्ने स्कार्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 1 mm टू 1.5 जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप लोग कम mm यूज़ करें, उसके बाद mm बढ़ा सकते हैं। इसको आपको mm के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है, यानी कि अगर आप कम mm यूज़ कर रहे हैं तो वीकली कर सकते हैं, अगर आप लोग 1 mm टू 1.5 mm कर रहे हैं तो आपको मंथ में सिर्फ ये दो ही बार करना होता है। इससे ज़्यादा अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसका ज़रूर अपलोड करूँगी, आप लोग वो वॉच कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डर्मा स्टैम्प यानी कि और डर्मा पेन का जो आपने सवाल मुझसे किया था कि मुझे कब करना चाहिए। अब बात करते हैं टीसीए पी की। तो यहाँ पर आपने सिर्फ टीसीए मेंशन किया। टीसीए एक केमिकल है जो कि आपको 15% से लेकर 100% तक अवेलेबल हो जाता है। जितना ज़्यादा परसेंट पड़ेगा उतना उसके यूजेस अलग अलग हो जाते हैं। सबसे जो कम परसेंटेज यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो 15% होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं है कि कम है। अगर आप लोग 25% पीलिंग की बात करने जा रहे हैं तो ये काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप इसको फेस के ऊपर यूज़ करते हैं तो ये स्प्रेड पोजिशन में आपको यूज़ करना होगा, जो कि अगर आपका सही एप्लीकेशन नहीं होता तो बहुत बार आपको डेंजर्स भी हो सकता है, या आपको स्किन की प्रॉब्लम भी बढ़ा सकता है, पिगमेंटेशन कर सकता है, स्किन को बर्न कर सकता है, इरिटेट कर सकता है, रेडनेस कर सकता है, ब्लैक मार्क छोड़ सकता है। तो टीसी पीलिंग की तरफ तो नहीं जाना अगर आपको जानकारी नहीं है। तो सेकंड जो इसका ऑप्शन है टीसी 50 से लेकर 80 तक, ये टीसी क्रॉस है जो कि एक पर्टिकुलर स्कार्स को टारगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्कार्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करके टूथपिक की हेल्प से स्कार्स का जो सेंटर है मिड है वहाँ पर इसको टिक किया जाता है, उसके बाद थोड़ी देर वेट करना होता है, फ्रोस्टिंग के बाद न्यूट्रलाइजर करना होता है। तो अगर आप लोग माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा वेट रखें 1 month का उसके अंदर, और उसके अंदर उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी आप लोग को ये नहीं कहती हूँ कि इतनी सारी चीज़ों आपको
एक साथ यूज़ करनी है, क्योंकि फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है ना, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो हर चीज़ प्रॉब्लम वाली है, नॉलेज है तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि हमको सब कुछ सेफ सेफ मिलेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप ट्राई करने जा रही हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो प्लीज़ आप सिर्फ डर्मा स्टैम, डर्मापिनिया, माइक्रोनेट, लिंका, डर्मा, इनमें से कोई एक ही टूल्स यूज़ किए, अभी थोड़ा रुक के टीसी, मतलब पहले इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद है सारे ट्रीटमेंट। थर्ड जो आपने लिखा है वो लिखा है ट्रेटिनॉइन। ट्रेटिनॉइन एक ऐसा ट्रीटमेंट है, जैसे कि माइक्रोनीडलिंग हम लोग वीकली कर सकते हैं ना, टीसी केमिकल पीलिंग हम लोग मंथली कर सकते हैं, 2 मंथ में, 1 मंथ में, माइक्रोनीडलिंग को मंथ में 2 बार, लेकिन ट्रेटिनॉइन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप वीक में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। इसको नाइट टाइम में यूज़ करना है, इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस है जो कि आपको रखने होते हैं। फेस टेस्ट करके यूज़ करना होता है, बहुत कम अमाउंट में फेस पे यूज़ करना होता है। ये रेटिनो ए होता है, जब आप इसको फेस के ऊपर यूज़ करते हैं तो ये आपके जो एक्ने स्कार्स हैं उनको विजिबल करता है, थोड़ा श्रिंक करता है, फेड करता है, आपका सेल टर्नओवर बढ़ाता है, आपके इलास्टिन को इम्प्रूव करता है, आपका कॉलेजन को बूस्ट करता है, आपकी पुरानी स्किन को रिमूव करके नई स्किन लेकर आता है, आपके स्कार्स का जो टोन है उसको थोड़ा बेटर करता है, थोड़ा इवन करता है। तो ये है ट्रेटिनॉइन, या वीक में 4 दिन नाइट टाइम में यूज़ करते हैं। तो मॉर्निंग में मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा केयर करना है, और फिजिकल एक्सफोलिएशन वगैरह नहीं यूज़ करना है। इनके अगर आपको डिटेल्स में वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं। फोर्थ जो चीज़ है वो आपने पूछा है, हमें कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। अगर आप ये डर्मापेन यूज़ कर रहे हैं, ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, स्किन थोड़ा सा ड्राई होगा, थोड़ा सा इरिटेट होगा, ड्राइनेस बढ़ता है, तो आपको इस टाइम पे कोई ऐसे फेस वॉश की नीड है जो कि आपकी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट रख सके, थोड़ा सा उसको बैलेंस कर सके, उसको और ज़्यादा ड्राई नहीं बनाए। वैसे तो सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए, एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। अगर आपको एक्ने है तो डेफिनेटली आप लोग डर्मोलर यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि उस कंडीशन में आप नहीं यूज़ कर सकते, तो आप सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जब तक आपके एक्ने रिमूव नहीं होते। जब आपके एक्ने रिमूव हो जाएंगे उसके बाद आप लोग कोई माइल्ड, जैसे कि सेटाफिल यूज़ कर सकते हैं, बहुत माइल्ड है। आप लोग कोई अच्छा सा फेस वॉश ले सकते हैं जिसके अंदर माइल्ड है, जैसे कि लैक्टिक एसिड है, हाइलोरोनिक एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग AHA BHA नहीं है। फिर आपने पूछा सीरम कौन सा यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग रेटिनॉल ट्रेटिनॉइन क्रीम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो रेटिनॉल सीरम यूज़ कर सकते हैं नाइट टाइम में, विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, नाइट टाइम में आप लोग नियासिनमाइड यूज़ कर सकते हैं। ये माइल्ड सीरम है, लेकिन कभी भी विटामिन सी को या रेटिनॉल को आपको कॉम्बिनेशन में नहीं यूज़ करना है। इसके अलावा इन्होंने लिखा एक्सेट्रा, और मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, आप मॉइस्चराइजर यूज़ करना बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। मॉइस्चराइजर आप कोई डबल कोटिंग कर सकते हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन के पीएच लेवल को बढ़ाता है, आपके वाटर को बैलेंस करके रखता है, जो आपको वाटर लॉस हो जाता है स्किन को, ये उसको मेंटेन करके रखता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है। पोन्स का जो है वो बहुत अच्छा है, एक मॉइस्चराइजर आता है पोन्स जेल, लाइट जेल करके, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ दिन, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, एक पैक ही आपको 2-3 महीने चलने वाला है। उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कुछ यूज़ करना है तो आप कोई और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्किन में ऑयल बहुत ज़्यादा बनता है, तो प्लीज़ कोई भी ना ऑयली आपको मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करना है, कोई हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर स्किन के लिए यूज़ कीजिए, तो कि स्किन को हाइड्रेट भी रखे, ऑयल को भी बैलेंस करके रखे। नॉन कॉमेडोजेनिक हो, फ्रेगनेंस फ्री हो, ये थोड़ी चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक हो, उसमें पैराबन नहीं हो, उसमें केमिकल नहीं हो, इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो आप लोगों को डेफिनेटली यूज़ करना है, चाहे आप डर्मोलर यूज़ करें, टीसे यूज़ करें ना करें, ट्रेटिनॉइन यूज़ करें ना करें, अगर आपको अपनी स्किन को अच्छा बनाना है, आप ये चाहते हैं कि हमारे जो स्कार्स हैं और ज़्यादा भद्दे ना लगे, और ज़्यादा डैमेज ना हो, हमारा जो स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज ना हो, तो इसके लिए सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मार्केट में सनस्क्रीन है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग। टाइप कौन सा है, आपका बाहर कितना निकलना है, अगर आप लोग घर में रह रहे हैं तो ऐसे भी, जैसे कि न्यूट्रीजेना के ऐसे मॉइस्चराइजर हैं जिनमें SPF 25 है, 30 है, वो यूज़ कर सकते हो, फिर तो 50 की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाहर जा रहे हो तो SPF 50 यूज़ कर सकते हैं, 70 यूज़ कर सकते हैं, 35 यूज़ कर सकते हैं, अपने स्किन के अकॉर्डिंग। ऑयली स्किन है तो जेल बेस ले सकते हैं, वाटर बेस ले सकते हैं, ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा रह रहा है तो क्रीम बेस ले सकते हैं आप लोग, ऑयली बेस, तो ये सारा है। सनस्क्रीन मैं आपको इसीलिए नहीं बता सकती क्योंकि मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन आप अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। उम्मीद है जिन्होंने मुझे कमेंट किया होगा ये वीडियो उनके लिए तो यूज़फुल रहा होगा, स्पेशली जिन लोगों को एक्ने स्कार्स का प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। के बाद ये जो माइक्रोनीडलिंग टूल्स को लेकर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, आप डेफिनेटली उसको जाकर वॉच करें, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू।